कोई आदमी ये जानना चाहे कि मेरी औलाद नेक और साले है कि नहीं है, या मैंने अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत की है कि नहीं की है, बहुत आसान सा तरीक़ा है, बहुत आसान सा तरीक़ा है। ईशा की नमाज के बाद जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आप अपने बच्चों को इकट्ठा करें और उनसे सवाल करें कि बच्चों ये बताओ कि तुम में से आज किसने हमारे लिए दुआ की है, बच्चों ये बताओ कि तुम में से किसने आज मेरे लिए दुआ की है, और अगर दूर हो तो फ़ोन करें और उनसे पूछें कि क्या आज आपने हमारे लिए दुआ की कि नहीं। अगर बच्चे ये जवाब देते हैं कि ऐ मेरे वालदैन, हमारी जान आप पे निछावर हो, कुर्बान हो, हमने जो भी नमाज़ें पढ़ी, हमने चलते फिरते उठते बैठ के अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपके लिए दुआ की है, इस्तिग़फ़ार किया है, बख्शिश आपके लिए तलब की है, तो आप समझ जाइए कि आपने अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत की है। और अगर उधर से जवाब आता है, रिप्लाई आती है ये कि नहीं वो हमें तो याद नहीं रहा, हम तो आज आपके लिए दुआ ना कर सके, इस्तिग़फ़ार ना कर सके, तो आप मुतनब्बे और आगाह हो जाइए कि आपके बच्चों की लाइन बदल चुकी है, ये बच्चे आपके लिए मुफीद नहीं हो सकते। जो 24 घंटे में एक मर्तबा अपने पैदा करने वाले माँ बाप को याद ना कर सके, उनकी रहमत और बख्शिश और मगफरत की दुआ ना कर सके, फिर ऐसे बच्चे आपके लिए न दुनिया में मुफीद हो सकते हैं और न मरने के बाद मुफीद हो सकते हैं।